हॅलो एव्हरीवन. आजच्या प्रिन्सिपल ऑफ मॅनेजमेंटच्या लेक्चरमध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत. आपण मागच्या लेक्चरला फॅक्टर्स डिटरमायनिंग स्पॅन ऑफ कंट्रोल इथपर्यंत येऊन थांबलो होतो. आपला तिसरा युनिट सुरू आहे. तुम्हाला याचे नोट्स मी लवकरात लवकर देण्याचा प्रयत्न करेन. तुम्ही आतापर्यंत जे काही प्रिन्सिपल्स यामध्ये स्टडी केलेत मॅनेजमेंटमध्ये, तुम्हाला ज्या काही छोट्या छोट्या कॉन्सेप्ट आपण स्टडी केल्यात, तर त्यापैकीची एक स्पॅन ऑफ कंट्रोलची तुमची कन्सेप्ट आहे की ज्यामुळे तुम्हाला तुमचे मॅनेजर्स कशा पद्धतीने वर्क करतात किंवा त्यांच्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज काय आहेत, किती कॅपेबल असणं गरजेचं आहे प्रत्येक गोष्टीसाठी, तर हे सगळं तुम्हाला यामध्ये समजेल. कंट्रोलिंग सिस्टीम ही तितकी आपण समजतो तेवढी सोपी नाही. जसं की आता तुम्हाला साधं सिंपल, तुम्ही क्लासचे सीआर आहात. क्लास सीआर झाल्यानंतर तुमच्या ज्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज येतात, पूर्ण क्लास कंट्रोल करणं वगैरे. तुम्ही आता कॉलेजला ऑनलाईन मुळे आलेल्या नाही आहात, पण तरी सुद्धा कॉलेजला जेव्हा तुम्ही याल तेव्हा तुम्हाला ती सिस्टीम लक्षात येईल की सीआर होणं, सीआरच्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज कम्प्लीट करणं. जेव्हा तुम्ही लिडिंग रोल मध्ये असता जनरली, तेव्हा तुम्हाला तो लक्षात येतो पार्ट की कंट्रोलिंग हा पार्ट किती हार्ड असणार आहे. त्यासाठी आपल्याकडे काय असलं पाहिजे, कुठले स्किल्स आपल्याकडे असले पाहिजे, किंवा कशा पद्धतीने आपलं प्लॅनिंग असलं पाहिजे. तर त्यासाठी आता आपण हा फॅक्टर्स बघूया की स्पॅन ऑफ कंट्रोलसाठी कुठले कुठले आहेत. फर्स्ट आहे कॅपॅसिटी ऑफ मॅनेजर. कॅपॅसिटीमध्ये तुम्हाला फक्त जनरली फिजिकल कॅपॅसिटीचा इथे विचार करू नका. जैसे की हम लोग देखते ना की एबिलिटी और कॅपॅबिलिटी, ये दोनों चीजें बहुत जरूरी रहती है हर एक मैनेजर के अंदर. ईच मैनेजर हैज डाइवर्स कैपेबिलिटी एंड एबिलिटी इन टर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग. यानी कि हर एक की कैपेसिटी अलग अलग है, एक दूसरे से दो पर्सनैलिटी जो है बिल्कुल डिफरेंट रहेंगे, तो उनके अंदर जो डिसीजन मेकिंग पावर है उसके हिसाब से चेंज हो जाएगी. तुम्ही किती कैपेबल आहात त्यानुसार तुम्ही डिसिजन घेणार आहात, बरोबर की नाही? प्रत्येकाचे डिसिजन बरोबर येतातच असं नाही. त्याचं रिझन काय आहे की तुमच्याकडे असणारी ॲबिलिटी. मग ती ॲबिलिटी येते कुठून? त्यामध्ये सांगितलं की डिसिजन मेकिंग असेल, लीडरशिप असेल, कम्युनिकेशन असेल, जजमेंट असतील, गायडन्स असेल अँड कंट्रोल. म्हणजे प्रत्येक मॅनेजरकडे या सगळ्या कॅपॅसिटीज असणं किंवा ॲबिलिटी त्याच्यामध्ये असणं इट्स मस्ट असणार. म्हणजे हे खूप इम्पॉर्टंट असणार आहे. अँड मोर एक्सपिरियन्स अँड कॅपेबल मॅनेजर इन रिस्पेक्ट टू दीज फॅक्टर्स मे बी एबल टू सुपरवाइज अँड कंट्रोल मोर सबऑर्डिनेट्स एज कम्पेअर टू लेस कॅपेबल अँड स्किल मॅनेजर. म्हणजे तुमच्या अंडर जो काही एम्प्लॉय वर्क करतो, सबऑर्डिनेट्स आहेत तुमचे, त्यांना जर कंट्रोल करायचं असेल तर मॅनेजरकडे काय असलं पाहिजे. आता बऱ्याचशा लोकांना बीएमएसला आल्यानंतर मी काउन्सिलिंग करतानाही सांगितलंय की तुम्ही मॅनेजर लेवलच्या पोस्टला पण तुम्हाला जॉब मिळू शकता, पण त्यासाठी मला काय कमवणं गरजेचं आहे, या 3 वर्षांमध्ये मला कुठल्या गोष्टी शिकायच्या आहेत. जजमेंट्स केव्हा घेतले जातात सांगा, की जेव्हा तुम्हाला कुठल्या गोष्टीचं नॉलेज असेल, एक्सपिरियन्स असेल, तो एक्सपिरियन्स तुमच्याकडे असला पाहिजे, तुमच्याकडे नॉलेज असलं पाहिजे त्या फील्डचं, गायडन्स करण्यासाठी तुमच्याकडे रिसोर्सेस असले पाहिजेत, त्यानंतर तुम्हाला कम्युनिकेशन करता यायला हवं. आता तुमच्यापैकी काही मुलं करतात कम्युनिकेशन, मी जनरली आता नाव घेऊन सांगणार नाही तुम्हाला, पण काही लोक शॉर्ट फॉर्म टाकतात, त्यांना अंडरस्टँड होणारे शॉर्ट फॉर्म, जे की दुसऱ्याला ती लँग्वेज माहिती नसते, त्यामुळे कम्युनिकेशन होत नाही, ते मिसअंडरस्टँडिंग होतं. तुम्ही एखादा शॉर्ट फॉर्म टाकला, ग्रुपवर टाकलात किंवा पर्सनलला कोणाला टाकला, तर त्या समोरच्या पर्सनलाही त्याचं नॉलेज आहे का याचा विचार कम्युनिकेशन करताना पण करत नाही, आणि त्यामध्ये तुमची बॅड इमेज तयार होते, मिसअंडरस्टँडिंग वाढतात. तर अशा पद्धतीने कम्युनिकेशन नाही शिकणार आहोत आपण. कम्युनिकेशन स्किल हा जो पार्ट आहे तो फार इफेक्टिव्ह आहे, ज्याचा इम्पॅक्ट तुम्हाला पूर्ण लाईफ लॉंग काय होतो मिळतो, म्हणजे जाणवतो. कारण की तुम्ही ज्या लोकांशी रिलेशनशिप मेंटेन करताय, त्यांच्याशी कुठल्या पद्धतीने कम्युनिकेट करताय, या गोष्टीला फार इम्पॉर्टन्स आहे तुमच्या जनरल लाईफ मध्ये. मी थोडस आवडतर नाही तुम्हाला, एक जनरल कम्युनिकेशन हा टॉपिक आहे. आता लीडरशिप आहे, लीडरशिप तुम्हाला दिली, जसं मी सांगितलं तुम्हाला क्लास सीआर केलं, सब्जेक्ट रिप्रेझेंटेटिव्ह केलं, तर ऍज अ लीडर म्हणून तुमचा रोल काय असणार आहे, तुमच्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज काय असणार आहे,
त्या सगळ्या फॉलो करताना तुम्ही कॅपेबल आहात की नाही, तुमच्यामध्ये ती ॲबिलिटी आहे किंवा नाही हे चेक करणं मस्ट असतं. तसंच इथे मॅनेजर जो आहे, एखाद्या ऑर्गनायझेशनचा मॅनेजर आहे, त्यामध्ये भरपूर सारे ऑपरेशन्स केले जातात, भरपूर साऱ्या ऍक्टिव्हिटीज डे बाय डे होतात. तर इथे तुम्हाला प्रत्येक गोष्टीसाठी जजमेंट्स घेता येणं गरजेचं, लक्षात येत आहे. त्यानंतरचा पार्ट आहे तुमचा कॅपॅसिटी ऑफ सबऑर्डिनेट्स. मला यामधून फायनल कन्क्लुजन काय सांगायचंय लक्षात येत असेल तुमच्या, की आपण फॅक्टर्स डिटरमाइनिंग स्पॅन ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल मला जर माझ्या सबऑर्डिनेट्सला करायचं असेल तर माझ्याकडे एवढे स्किल्स असले पाहिजे तेव्हा मी काय करू शकेल, कंट्रोलिंग करू शकेल. कॅपॅसिटी ऑफ सबऑर्डिनेट्स मध्ये काय दिलंय, कम्पेटंट अँड वेल ट्रेन सबऑर्डिनेट्स मे वर्क विदाउट मच हेल्प ऑफ देअर सुपेरियर ऑर मॅनेजर. They may just need general guidelines and they will perform accordingly. They will need lesser time from their superior, due to which manager can have a large number of subordinates under him. म्हणजे आता इथे बघा की वेल ट्रेन्ड जर तुमचे सबऑर्डिनेट्स असतील, तुमचे एम्प्लॉईज असतील, तर त्याचा इम्पॅक्ट काय होतो की मॅनेजर्स त्यांना हेल्प तर करतात, ट्रेनिंग प्रोव्हाइड करतात, त्यानुसार गाईडलाईन नुसार ते काय करतात, परफॉर्मन्स देतात तुमचे सबऑर्डिनेट्स. मग त्यामध्ये जे काही सुपेरियर आहे, सुपेरियर म्हणजे मॅनेजर लेवलच्या पोस्टला जे पर्सन आहे, ते फार वेळ देऊ शकणार नाही त्यांच्या सबऑर्डिनेट्सला, ते जस्ट तुम्हाला गाईडलाईन्स प्रोव्हाइड करतील. पण मग तुमची कॅपॅसिटी ती असली पाहिजे ऍज अ सबऑर्डिनेट, की ज्या काही इन्स्ट्रक्शन्स मला आलेले आहेत, ज्या काही जे काही ट्रेनिंग मी घेतलेलं आहे, तर त्या पद्धतीने माझा परफॉर्मन्स येणं गरजेचं आहे. म्हणजे स्पॅन ऑफ कंट्रोल मध्ये दोन्ही गोष्टी महत्वाच्या आहेत. मॅनेजर फक्त कॅपेबल असून चालणार नाहीये, ती कॅपॅसिटी सबऑर्डिनेट्सची पण असेल तरच परफॉर्मन्स वेल असणार आहे. ओके, सो मग तो परफॉर्मन्स वेल येण्यासाठी ऍज अ मॅनेजर तुमचा रोल काय असेल, तर ट्रेनिंग प्रोव्हाइड करा, मोटिवेशन द्या, एनकरेज करा त्यांना, त्यांना गाईडलाईन्स द्या आणि त्या पद्धतीने त्यांचा परफॉर्मन्स करून घ्या, म्हणजे सगळं कंट्रोलिंग मध्ये राहील, लक्षात येत आहे. नेक्स्ट थिंग आहे नेचर ऑफ वर्क परफॉर्म बाय सबऑर्डिनेट्स. आता नेचर कसं आहे वर्कचं, ऍज द कॉम्प्लेक्सिटी अँड व्हरायटी ऑफ वर्क परफॉर्म बाय द सबऑर्डिनेट्स इन्क्रीजेस, ईच सबऑर्डिनेट रिक्वायर मोर अटेन्शन फ्रॉम द मॅनेजर, लिडिंग टू रेड्युसिंग स्पॅन ऑफ कंट्रोल. म्हणजे आता कॉम्प्लेक्सिटी जेव्हा येते वर्कमध्ये, तेव्हा सबऑर्डिनेट्सचा परफॉर्मन्स कसा असेल, जे सबऑर्डिनेट्स एका दिवसामध्ये किती काम करतात, त्यामध्ये वर्कमध्ये किती व्हरायटी आहे, दोन दिवस तुम्ही नाईटला आहात जॉब करताय, दोन दिवस डेला करताय, तर असा अशा जे काही कॉम्प्लिकेशन्स असतात किंवा सिच्युएशन वेगवेगळ्या असतात, तेव्हा सबऑर्डिनेट्सला काय गरजेचं आहे, ही सबऑर्डिनेट रिक्वायर्स मोर अटेन्शन फ्रॉम द मॅनेजर. कॉम्प्लेक्सिटी असेल त्या टायमिंगला मॅनेजरचं पूर्णपणे लक्ष असणं गरजेचं आहे की सबऑर्डिनेट्स नक्की कशा पद्धतीने वर्क करतायत, त्यांना काय अडचणी येत आहेत, तर या पद्धतीने तुम्ही कंट्रोलिंग करू शकता. एक्सटेंट ऑफ डिसेंट्रलायझेशन. आता सेंट्रलायझेशन आणि डिसेंट्रलायझेशन याचा इम्पॅक्ट कसा होतो बघा, आपण मागच्या लेक्चरला ही कन्सेप्ट पूर्ण स्टडी केली की डिसेंट्रलायझेशन मध्ये काय केलं जातं, की डिसिजन मेकिंग पॉवर ही आदर दुसऱ्या सेंटरला किंवा डिस्ट्रीब्यूट केली जाते ती प्रत्येक एका सेंटर वाईज. If there is a balance between delegation of authority and responsibility, this will require less time to devote to manage his subordinates, as they will take most of the actions by their own. Hence, manager can have a wider span. Controlling system jeva tumcha area khup vast ahe, agar bahut badhiya zyada aapka business hai jo expand hua hai, to at that time manager ko ye possible nahi hai ki आप कंट्रोल कर सके, कोई एक पर्सन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता. तो उन्होंने क्या कर दिया कि जो भी राइट्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है या अथॉरिटीज है, वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए सबऑर्डिनेट्स के लिए, कि आप उसी टाइम उसी वर्क क्या कर सकते हो कि खुद से डिसीजन ले सकते हो. इसकी वजह से हर बार आपको मैनेजर पे डिपेंड रहने की बिल्कुल जरूरत नहीं, तो एक्शन फास्ट हो जाएंगे, आपका वर्क जितना फास्ट होगा आपका परफॉर्मेंस बेटर रहेगा और ऑर्गेनाइजेशन भी प्रॉफिट में रहेगी. तो एक्सटेंड की जाती है आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अथॉरिटी है, तो डिसेंट्रलाइजेशन के थ्रू ये पॉसिबल है. ओके, नेक्स्ट थिंग इज दैट द डिग्री ऑफ प्लानिंग.
डिग्री ऑफ प्लानिंग के अंदर बताया कि इफ द प्लानिंग इज इफिशिएंटली डन मेनली स्टैंडिंग प्लान्स प्रोसीजर्स रूल्स मेथड्स आर क्लियर देन सबॉर्डिनेट्स कैन मेक देयर डिसीजंस ऑन देयर ओन and if they are required to make a plan of their own then they will require more guidelines by superiors and manager can handle narrow span in the case of inadequate planning planning is common actually jo bhi planning hai plan jo bhi banaye jate hai organization ke through procedures banaye jate rules banaye jate to agar wo rules clear hai methods clear hai to subordinates kya kar sakte ki decision le sakte कि किस तरह का परफॉर्मेंस देना है अगर मेरे पास रूल रेगुलेशन रूल्स और रेगुलेशन है जैसे आप लोगों ने नए एडमिशन लिया फर्स्ट ईयर में आप लोग अभी आए नहीं लेकिन आपने जो भी प्रोस्पेक्टस आपको मिला प्रोस्पेक्टस के अंदर आपको इंस्टीट्यूट के बारे में जानकारी मिली उसमें दिए गए रूल्स रेगुलेशन बताए गए तो इस तरह से अगर गाइडलाइन मिलती है तो आपके लिए आसान हो जाता है परफॉर्म करना इफ दे रिक्वायर टू मेक अ प्लान ऑफ देयर ओन बहुत बार ऐसे होता है कि कुछ बच्चे यानी कि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी सबॉर्डिनेट्स अगर प्लानिंग खुद बना रहे हैं तो वहाँ पे ज्यादा गाइडलाइंस देने की जरूरत पड़ती है सुपीरियर को जो भी मैनेजर है तो यहाँ पे स्पैन ऑफ कंट्रोल जो भी है स्पैन जो है वो किस क्या हो जाता है डिक्रीज हो जाता है यानी कि लेस असणार आहे तुमचा कंट्रोल आणि हे सगळं कशामुळे होईल इनएडिक्वेट प्लॅनिंग प्री प्लॅन तुम्ही जेव्हा असाल तुमचा प्लॅन जेव्हा तुम्ही सबॉर्डिनेट सोबत शेअर कराल तेव्हा काम करणं सोपं जातं आणि कंट्रोल करणंही सोपं जातं ओके कम्युनिकेशन सिस्टीम कशी आहे फेस टू फेस कम्युनिकेशन इज यूज देन द स्पॅन ऑफ कंट्रोल विल बी नॅरो हाउएवर इन मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिव्हायसेस आर यूज फॉर कम्युनिकेशन देन द स्पॅन ऑफ कंट्रोल विल बी वाइड म्हणजे तुम्हाला स्पॅन ऑफ कंट्रोल हा ही जे काही कन्सेप्ट आहे ती नॅरो कुठे असेल फेस टू फेस कम्युनिकेशन मध्ये तुम्ही समोरासमोर काम करताय तर तेव्हा तुम्हाला फार कंट्रोलिंगची गरज पडत नाही कारण तुम्ही अंडर ऑब्झर्वेशन आहात पण जेव्हा इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइसचा वापर केला जातो कम्युनिकेशन साठी तुम्ही मोबाईल वर चॅट करताय मोबाईल वर मेसेज पाठवताय ईमेल करताय तर अशा केस मध्ये कंट्रोलिंग सिस्टीम थोडी कशी असेल वाईड असेल ओके लेवल ऑफ मॅनेजमेंट आता मॅनेजमेंटच्या लेवल कशा आहेत त्यानुसार हे डिसाइड केलं जातं की कंट्रोलिंग सिस्टीम कशी असेल इफ द बॉसेस आर वर्किंग एट द टॉप लेवल ऑफ मॅनेजमेंट देन दे हॅव मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हायर द लेवल ऑफ मॅनेजमेंट लेसर द नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स एज हायर लेवल मॅनेजमेंट डज नॉट हॅव मच टाइम टू सुपरवाइज अभी ऑल राइट्स अगर इस टॉप लेवल मॅनेजमेंट के हाथ में है आपके बॉसेस जो है वो कौन सी जगह पे काम कर रहे हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट में उनका जॉब है तो ऑब्वियसली उनके पास बहुत सारे काम रहेंगे या बहुत ज्यादा वर्कलोड होने की वजह से वो उतना टाइम सुपरवाइज करने के लिए नहीं दे सकते तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली कंट्रोलिंग सिस्टम थोड़ी कैसे हो जाती है वीक हो जाती है दे स्पेंड देयर मोस्ट ऑफ टाइम इन प्लानिंग एंड अदर फंक्शंस एंड लोअर लेवल मैनेजर्स कैन हैव वाइडर स्पैन देन द हायर लेवल मैनेजर्स अभी लोअर लेवल मैनेजर्स के ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे बनती है क्योंकि हायर लेवल वाले किस चीज में डूबे हैं प्लानिंग करने में या अदर फंक्शंस करने में उनका बहुत ज्यादा टाइम है तो यहाँ पे लोअर लेवल मैनेजमेंट जो है वो कैपेबल है एबल है प्लानिंग करने के लिए या सॉरी कंट्रोलिंग करने के लिए ओके ज्योग्राफिक कंटिन्यूटी किस तरह की है तो यहाँ पे उन्होंने बताया इफ द सबॉर्डिनेट्स आर लोकेटेड एट द सेम प्लेस विद इन द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ मैनेजर सबॉर्डिनेट्स क्या कर रहे हैं कि सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ मैनेजर ही कैन सुपरवाइज मोर नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स इफ सबॉर्डिनेट्स आर एट डिफरेंट लोकेशन देन मैनेजर कैन सुपरवाइज लेस नंबर ऑफ स्पैन्स ये तो बहुत बार हमें पता चलता है कि एक ही प्लेस पे आपके अगर सबॉर्डिनेट्स है एक ही प्लेस पे काम चल रहा है तो एट दैट टाइम सुपरविजन कैसे होगा स्ट्रांगली होगा या कंट्रोलिंग सिस्टम स्ट्रांग रहेगी लेकिन अगर मेरे जो सबॉर्डिनेट्स है वो क्या किए गए हैं कि डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं एक प्लेस पे नहीं है उनका जॉब तो ऐसे हालात में मैनेजर को इन्हें सुपरवाइज करना मुश्किल होता है या स्पैन ऑफ कंट्रोल कम हो जाता है ओके
Now let us see the Grekunas theory of span of control. ये Grekunas ने कुछ relationships explain किया है span of control के लिए. तो उन्होंने बताया it is a French consultant, V.A. Grekunas, developed a theory on span of control in 1933. He published a paper called relationship in organization. Organization के अंदर जो relationship बनती है तो वो किस तरह से बनती है, किन दो लोगों के बीच बनती है, उनका रिलेशनशिप उन्होंने इस जो भी थ्योरी है स्पैन ऑफ कंट्रोल की 1933 में जब पब्लिश की किया गया पेपर रिलेशनशिप इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उन्होंने एक्सप्लेन किए हैं थ्री फैक्टर्स से थ्री काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप्स दैट अ सुपीरियर कुड हैव विद हिज सबॉर्डिनेट्स. नाउ लेट्स सी द फर्स्ट वन, डायरेक्ट रिलेशनशिप, वन टू वन रिलेशनशिप. हम लोग बोलते हैं ना मेरा तो डायरेक्ट रिलेशन है उनके साथ, तो डायरेक्ट रिलेशन है मतलब क्या है, वन टू वन रिलेशनशिप. तो ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की रिलेशनशिप है, ना कि हमारे इंडिविजुअल रिलेशनशिप या फैमिली रिलेशनशिप है. तो इसमें बताया गया है रिलेशनशिप बिटवीन सुपीरियर एंड हिज इमीडिएट सबॉर्डिनेट्स, यानी कि आपका सुपीरियर यानी कि आपके हायर लेवल के जो भी मैनेजर्स है His immediate subordinates, मतलब कि directly उनका contact जब subordinates के साथ आता है, it is called one-to-one relationship. Direct group relationship. अभी one-to-one relationship इस तरह की है, group relationship कैसी है देखे. Relationship of superior with subordinates in the presence of other subordinates. यहाँ पे हम लोग किसी एक person को जानते हैं, लेकिन किसकी वजह से जानते हैं, कोई एक मिडल इंटरमीडिएट है जिस अभी मेरे फ्रेंड का फ्रेंड है तो ऑब्वियसली मेरे रिलेशनशिप उसके साथ है, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंस किसका है कि आपके फ्रेंड का जो कि आपके साथ रिलेशन रखता है, समझ में आ रहा है ना. तो यहाँ पे सुपीरियर और सबॉर्डिनेट्स के बीच में रिलेशनशिप है इन द प्रेजेंस ऑफ अदर सबॉर्डिनेट्स. All possible, अभी आपको डायग्राम भी मैं दिखाने वाली हूँ तो आपको बहुत जल्द समझ में आएगा, एक एग्जांपल उन्होंने एक्सप्लेन करके दिखाया तो वो भी हम देखने वाले. सो ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशनशिप रिलेशनशिप एग्जिस्ट इन ग्रुप रिलेशनशिप. सो नेक्स्ट वन इज क्रॉस रिलेशनशिप. अभी रिलेशनशिप अमंगस्ट सबॉर्डिनेट्स. सी हियर He mathematically formulated a theory to arrive at the exact number of such relationships. According to V.A. Grekunas, as the number of subordinates increases arithmetically, the number of relationships which the superior has to control also rises almost geometrically, like 1, 6, 18, 44, 100 to 144. Hence, superior can only control restricted number of subordinates. म्हणजे आता सबॉर्डिनेट्सचे नंबर कसे आहेत, अरिथमॅटिकली आहेत म्हणजे 1, 2, 3, 4, 5, 6 आहेत, तर रिलेशनशिप कशी असेल, कंट्रोल मध्ये असेल. आणि जॉमेट्रिकली जर विचार केला तुम्ही अशा पद्धतीची असेल सबॉर्डिनेट्स तुमचे नंबर असे दिलेले आहेत, तर इथे जॉमेट्रिकली असं असेल तर सुपीरियर कॅन ओनली कंट्रोल रिस्ट्रिक्टेड नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स अँड एनिथिंग आउटसाइड दिस लिमिट इज व्हेरी टफ टू कंट्रोल. म्हणजे यापेक्षा आणखी काही वेगळं जर सिच्युएशन असेल तर तुम्हाला कंट्रोल करणं आणखी अवघड होतं. सो ये ग्रेकोनास थेरी कॅन बी एक्सप्लेन विथ द हेल्प ऑफ दिस सिंपल एक्झाम्पल. अभी फॉर एक्झाम्पल हम लोग देख सकते यहाँ पे कन्सिडर मिस्टर आनंद ए, शॉर्ट फॉर्म आपने यूज किया है यहाँ पे मिस्टर आनंद को ए ब्रैकेट ए इज अ सुपेरियर, यानी कि वो बॉस है मिस्टर आनंद, एंड मिस्टर बिपिन बी एंड मिस्टर चंदू सी are his subordinates, juniors or lower grade employees. B or C जो है क्या है subordinates है और A जो है वो boss है. Okay? So अभी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं next एक diagram के अंदर उन्होंने explain किया है, जैसे आनंद A जो boss है यहाँ पे span of control का ये जो triangle आपको दिख रहा है, बिपिन B और चंदू C, तो अभी हम पोजीशन देख सकते हैं इनके अंदर रिलेशनशिप किस तरह से है. थ्री टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स आर देयर. सो डायरेक्ट सिंगल रिलेशनशिप कैसी है, वन टू वन रिलेशनशिप, ए विद बी यानी कि ए विद बी एंड ए विद सी,
that is a total of two direct symbol relationships. यहाँ पे separation दिखेगा आपको. Single relationship है, one to one relationship है. Boss A जो है उसकी directly relationship B के साथ है, या तो second option है कि A की relationship C के साथ है, ये भी subordinate है. Okay? Direct group relationship कैसे बनती है? A with B in presence of C. यहाँ पे A और B के बीच में जो भी relationship बनी है, in presence of C है यहाँ पे. So it is a direct group relationship. And A with C in presence of B. समझ में आ रहा है? एक तो सिंगल बनेगी या A की B के साथ जो relationship है in the presence of C, तो ये कौन सी relationship हुई? Direct group relationship. समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे भी two direct group relationship है, यहाँ पे two direct single relationship है. समझ में आ रहा है? Cross relationship कैसे बनती है? B with C and C with B. B with C and C with B. तो इनकी relationship इनके साथ है या इनकी relationship C की B के साथ है? That is cross relationship. Again a total of two cross relationships. यानी कि यहाँ पे first जो chance मैंने बताया कि B की relationship C के साथ है, या second जो thing है cross relationship की, that is C with B. ओके तो यहाँ पे भी दो रिलेशनशिप बन गए क्रॉस में. देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ रिलेशनशिप व्हिच आनंद ए हैज टू कंट्रोल इज -2 + 2 + 2 इज इक्वल टू 6 रिलेशनशिप्स. दस व्हेन द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स इज 2, सबऑर्डिनेट्स कितने हैं यहाँ पे? 2 नंबर, यानी कि बिपिन बी, चंदू सी. ओके the number of relationship which the superior has to control is 6. यहाँ पे हमने हर एक इसमें 2-2 निकाले ना relationship, तो total कितना हुआ उसका? Number of subordinates कितने हैं? 3 है. When the number of subordinates is 3, the number of relationship to control will be 18. 18 कैसे बनेंगे फिर? 3 subordinates अगर है तो उन्होंने यहाँ पे जैसे कंसिडर करके, अगर 2 सबऑर्डिनेट्स है तो उनके बीच कितने रिलेशनशिप निकले कंट्रोलिंग के लिए? 6. तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर 3 सबऑर्डिनेट्स प्रेजेंट है तो उनके बीच नंबर ऑफ रिलेशनशिप्स कितने होंगे? 18 होंगे. ओके वी ए ग्रेकुनास हैज इलुसिडेटेड हिज प्रिंसिपल विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला. तो इन्होंने यहाँ पे जो ग्रेकुनास थ्योरी हम स्टडी कर रहे हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल के लिए, तो उन्होंने एक फॉर्मूला दिया है हमें. ये फॉर्मूला ऐसा है, R is equal to n in bracket 2 raised to n plus n minus 1 bracket complete divided by 2. R means number of relationships, कितने relationships है वो ये आपको क्या करेगा बताएगा R. N means number of subordinates. तो हम लोग आगे next page पे देख सकते हैं. By using Grekunov's formula, we can find out the number of relationships. R आपको क्या करना है? Find करना है number of relations. If the number of subordinates N is given. अगर आपको subordinates के numbers दिए, N number दिया है, तो आपको find out क्या करना है? R find out करना है. तो एग्जांपल दिया है, कंसीडर दिस एग्जांपल. इफ सुपीरियर हैज 6 सबऑर्डिनेट्स देन द नंबर ऑफ रिलेशनशिप व्हिच हैज टू कंट्रोल कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोस. तो हमें फाइंड आउट आर करना है, तो आर इज इक्वल टू एन. तो ये जो फॉर्मूला हमने लास्ट पेज पे देखा उसी में हमें क्या करना है? क्वांटिटीज डालने. तो एन नंबर कितना दिया है आपको? आप देख सकते हैं सबऑर्डिनेट्स n इज इक्वल टू 6. तो फॉर्मूला के अंदर 2 रेस्ट टू 2 यानी कि 6 दिया है. जस्ट अ मिनट, वी कैन चेक दिस. डिवाइडेड बाय 2, ये फॉर्मूला है. तो 2 रेस्ट टू 2 यानी कि यहाँ पे आपको 6 सबऑर्डिनेट्स n नंबर डालना है. यहाँ पे बाय मिस्टेक आई थिंक सो 2 आया है, यहाँ पे n होना चाहिए.
2^n. ओके, लास्ट पेज पे हम चेक कर लेते हैं जो आपको फॉर्मूला सी हियर 2^n. यहाँ पे बाय मिस्टेकली 2 प्रिंट हुआ है, तो यहाँ पे n है फॉर्मूला के अंदर, तो n की वैल्यू हमें यहाँ पे दी है 6. तो वो ओनली हमें वैल्यूज डालने हैं इसमें, n की वैल्यू 6 इन ब्रैकेट 2^6 डिवाइड बाय 2 प्लस n मीन 6 माइनस 1. तो अभी हम कैलकुलेट करके अगर देख रहे हैं यहाँ पे, तो हमारा r नंबर कितना आता है, फाइंड आउट किया हमने. क्या फाइंड आउट किया? नंबर ऑफ रिलेशनशिप्स. आप लोग खुद से ये कैलकुलेशन कर सकते हैं, कैलसी का भी यूज कर सकते हैं जिनको नहीं आ रहा है. तो 2^6 की वैल्यू आई 64 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 6 माइनस 1 5. तो अभी 64 को अगर हमने डिवाइड किया 2 से, तो उसकी वैल्यू कितनी आती, 32 प्लस 5 यानी कि 37. 37 को अगर ब्रैकेट के बाहर 6 नंबर है, n नंबर, तो 37 को जब हम मल्टीप्लाई कर लेते 6 से, तो आपका आंसर आता है 222 रिलेशनशिप्स आर देयर. सो यहाँ पे उन्होंने नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स दिए, नंबर ऑफ रिलेशनशिप्स दी, ये एक चार्ट दिया कि सबऑर्डिनेट एक है तो रिलेशनशिप एक के साथ एक ही है रहेगी. आपके नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स 2 है तो 6 आएगा, 3 है तो 18 आएगा. इस तरह से टेबल आपको दिया है ग्रेकोनास ने. सो लिमिटेशंस दिए, अभी हम लिमिटेशंस देखेंगे. आपको समझ में आ रहा है यहाँ तक? बहुत सिंपल है, आप जब नोट्स निकालेंगे तो आपको समझ में आएगा. कि अभी बहुत स्लोली मैंने वैसे भी दिया, लिमिटेशंस दिया है. द थ्योरी डज नॉट सीम टू हैव एनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एज मोर वेटेड इज गिवन टू रिलेशनशिप एंड नॉट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप. तो थ्योरी के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जो थ्योरी है ये प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना या एप्लीकेशन नहीं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, और इसके लिए वेटेज इसका इतना नहीं है. ताकि हम लोग जब भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचते हैं तो रिलेशनशिप को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, मतलब कि रिलेशनशिप के लिए ज्यादा वेटेज नहीं दिया जाता कि किसकी किसके साथ कौन सी रिलेशनशिप है, डायरेक्ट है या सिंगल है. लेकिन उन्होंने एक थ्योरी ग्रेकोनास ने स्पैन ऑफ कंट्रोल के लिए बनाई. क्यों? क्योंकि हम मुझे अगर कंट्रोलिंग सिस्टम स्ट्रांग बनानी है तो मुझे रिलेशन को समझना बहुत जरूरी है. ओके, नेक्स्ट थिंग इज दैट द न्यूमेरिकल फैक्टर आर गिवन मोर वेटेड. यहाँ पर न्यूमेरिकल फैक्टर्स पे बहुत ध्यान दिया है, यानी कि उन्होंने एन नंबर नंबर्स दिए, नंबर के ऊपर बहुत ध्यान वेटेज उनका है. Factors which govern an effective span of control as discussed above are not reflected. मतलब ये reflect नहीं करते, जैसे कि ये factors जो है discussion के हिसाब से हमने इसका discussion किया, ये factors उतने importance नहीं रखते हैं. यहाँ पे ये वाला chapter complete हो रहा है, हम next chapter में देखेंगे. अभी आपका ये चैप्टर हुआ डेलीगेशन का, 6 चैप्टर जो है आपका ऑर्गेनाइजिंग का, उसके अंदर कुछ और पॉइंट्स है. डिपार्टमेंटेशन भी हमें स्टडी करना है. आपको जो इंडेक्स मैंने बताई थी स्टार्टिंग में, सिलेबस एक्सप्लेन किया था, उसके अंदर आपको ऑर्गेनाइजिंग के स्ट्रक्चर से और डिपार्टमेंटेशन है उसका बेसिस एंड नीड्स, तो वो हम थोड़ा देखेंगे आज के लिए. यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉइंट्स दिए आपको, तो बेसिक पॉइंट्स जितने हैं एज पर सिलेबस. आप बुक भी अगर देख रहे हो, लायब्ररी येऊन जेव्हा तुम्ही बुक घ्याल तेव्हा तुमच्या लक्षात येईल की लायब्ररी मध्ये जे बुक्स आहेत किंवा बुक मध्ये जो सिलेबस तुम्हाला दिलेला आहे खूप फास्ट आणि खूप जास्त पॉइंट्स दिलेले आहेत जे की गरजेचे नाहीत. तुम्हाला एज पर सिलेबस आपण गेलो की तुम्हाला समजेल, नोट्स काढणं इझी होईल. पुढचा आपला सिलेबसचा पॉइंट असेल ऑर्गनायझिंग म्हणजे काय. पण आपण ऑर्गनायझिंग फक्त समजून घेण्याच्या अगोदर ठीक आहे, आपण हा पॉइंट तुम्हाला घेऊया ऑर्गनायझिंग म्हणजे काय, कारण पुढे तुम्हाला त्यावर डिपेंड डिपार्टमेंटेशन जे आहे की ऑर्गनायझेशनचे जे स्ट्रक्चर्स आहेत ते स्टडी करायचे, की लाईन अँड स्टाफ स्ट्रक्चर आहे किंवा तुमचं जे काही फॉर्मल इनफॉर्मल स्ट्रक्चर आहे, मॅट्रिक्स स्ट्रक्चर आहे, तर ते स्टडी करण्यासाठी अगोदर ऑर्गनायझिंगची जी कन्सेप्ट आहे ती क्लिअर होणं खूप गरजेचं आहे. सो लेट अस सी ऑर्गनायझिंग. ऑर्गनायझिंग इज द प्रोसेस ऑफ आयडेंटिफाईंग अँड ग्रुपिंग द
the work to be performed. यहाँ पे organizing is the process. ये process है. Organizing क्या है? Process है of identifying and grouping the work to be performed. आपको identify करना है, grouping करना है, जिसके through हम लोग क्या करेंगे? Work को perform किया जाएगा. Defining and delegating responsibility and authority. इसके अंदर organizing के अंदर क्या किया जाता है? डेलीगेट किए जाते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज एंड एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप फॉर द पर्पस ऑफ एनेबलिंग पीपल टू वर्क मोस्ट इफेक्टिवली. यहाँ पे एस्टेब्लिश की जाती है रिलेशनशिप बिकॉज ऑफ व्हाई? फॉर द पर्पस ऑफ एनेबलिंग पीपल टू वर्क मोस्ट इफेक्टिवली टूगेदर इन अकम्प्लिशिंग ऑब्जेक्टिव्स. यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन सेट करती है उन्हें हमें क्या करना है? अचीव करना है, अकम्प्लिश करना है. तो अकम्प्लिश करते वक्त आपका जो भी वर्क है, आपके जो भी पीपल से ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले, तो उनका वर्क इफेक्टिव होना जरूरी है और टुगेदर उन्हें क्या, एक साथ उन्हें क्या करना है, ये ऑब्जेक्टिव्स अकम्प्लिश करने हैं. तो इसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा? आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ग्रुपिंग करना पड़ेगा. आइडेंटिफाई क्या करना है कि किसके पास कौन सा स्किल है, उस हिसाब से हमें ग्रुप्स डिवाइड करने हैं, उनका ग्रुपिंग करना है, उनको अथॉरिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या करने हैं, डेलीगेट करने हैं, जिसकी वजह से वो काम कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, उनके बीच रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करनी है ताकि हम ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके. तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजिंग की ये इस तरह की प्रोसेस है. सो उन्होंने यहाँ पे दो तीन आपको जो डेफिनेशन दिए है, तो फर्स्ट लुईस की है, ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज एंड एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप्स अमंग देम. ओके, तो आप कौन सी भी एक डेफिनेशन यहाँ पे करके रखना है, बाय हार्ट की तो अच्छा ही रहेगा. नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है इसके अंदर, प्रोसेस नहीं है आपको आज पर सिलेबस से पॉइंट नहीं है. नेक्स्ट पॉइंट आपका रहेगा मीनिंग ऑफ डिपार्टमेंटेशन. देख सकते हैं यहाँ पे डिपार्टमेंट्स किस तरह से बने. ये जो पीपल्स दिख रहे आपको हर एक इसमें है, तो इनके बीच डिस्टेंस जो मेंटेन किया है, हर एक डिपार्टमेंट के बीच जो डिस्टेंस रहता है, तो इस तरह से हमें इसका डिपार्टमेंटेशन का स्टडी करना है. उसकी जरूरत क्या है, जैसे हम मार्केटिंग फाइनेंस एचआर डिपार्टमेंट देखते हैं ना, उस हिसाब से. तो डिपार्टमेंटेशन मींस सेपरेटिंग द लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन इनटू स्मॉलर फ्लेक्सिबल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स. यानी कि यहाँ पे डिपार्टमेंटेशन का मतलब क्या है, तो सेपरेट किया हुआ है जो बिग लार्ज स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन का, उसके अंदर हमने स्मॉल स्मॉल डिपार्टमेंट्स बना दिए, स्मॉल कर दिया, फ्लेक्सिबल कर दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव की जो भी यूनिट्स है उनको भी सेपरेट कर दिया. इट मींस द प्रोसेस ऑफ रेशनल ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर फंक्शंस. यहाँ पे रेशनल क्यों बताया कि सिमिलर फंक्शंस करने वाले, अगर जो पर्सन मार्केटिंग के जॉब में है, मार्केटिंग अच्छी तरह से कर सकते हैं, तो उनको उन्होंने एक ग्रुप में डाल दिया, सेपरेट कर दिया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट बना दिया. नेक्स्ट जो फाइनेंस के पर्सन है, जो फाइनेंस के ऊपर काम करने वाले, बजट्स देखने वाले, तो उनके लिए ऐसे स्किलफुल पर्सन का एक ग्रुप बना दिया. तो यहाँ पे उन्होंने एज पर फंक्शन, यानी कि फंक्शन के हिसाब से उन्होंने मैनेज कर दिए वो यूनिट्स और उनके बीच एक कोऑर्डिनेशन बना दिया. यानी कि ये जो मैनेजेबल यूनिट्स है फॉर द पर्पस ऑफ ओवरऑल कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेस, तो इनके बीच जो भी डिपार्टमेंट के बीच जो भी कोऑर्डिनेशन होता है उसका मेन पर्पस क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो भी रिसोर्सेस अलोकेट करने हैं, जो भी नेसेसरी थिंग्स हमें क्या करनी अलोकेट करनी है, तो उनके बीच कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है. फाइनेंस जब मुझे बजट देगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट, तब ही मैं क्या कर सकती हूँ कि मार्केटिंग के ऊपर कितना बजट लगाना है, इस साल का मेरा मार्केटिंग का बजट कितना है, ये डिसाइड कौन करेगा, फाइनेंस करेगा,
फाइनेंस को पता है कि उसके लिए मेरे पास कितने फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो कितने हैं, मेरे पास फाइनेंस का बजट कितना है, उस हिसाब से मैं कोऑर्डिनेट करूंगी। फाइनेंस डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट किया जाएगा मार्केटिंग को, और मार्केटिंग उस तरह से उनके प्लान बनाएगा। मैं मार्केटिंग के डिपार्टमेंट को कोई एक एडवर्टाइज देनी है, एडवर्टाइज देने के लिए भी बजट बनाया जाता है कि आपको अगर आपके प्रोडक्ट के लिए सेलिंग के लिए प्रोडक्ट सेल करने के लिए एडवर्टाइज देनी तो उसके लिए बजट दिया जाता है। तो वो बजट कहाँ से आया? अदर डिपार्टमेंट से। तो आप दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। तो रिक्वायरमेंटेशन का मीनिंग इस तरह से उन्होंने दिया, और डिपार्टमेंट उन्होंने इन शॉर्ट भी बताया, आप डेफिनेशन देख सकते हैं। सी नेक्स्ट पेज। पियर्स एंड रॉबिन्सन की एक डेफिनेशन है, रिक्वायरमेंटेशन इज द ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स processes and resources into logical units to perform some organizational tasks. जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, grouping of jobs मतलब कि एक department के लोग जो group बना है, जैसे marketing का group है तो उनका एक job है, वो लोग कुछ process करते, मतलब कि marketing की process के अंदर क्या किया जाता है, जैसे marketing research किया जाता है, advertising किया जाता है, sales promotions दिए जाते हैं, तो ये प्रोसेसेस वो लोग करेंगे। एंड रिसोर्सेस इनटू लॉजिकल यूनिट्स टू परफॉर्म सम ऑर्गेनाइजेशनल टास्क, यानी कि यहाँ पे कुछ लॉजिक्स का यूज किया जाएगा, लॉजिकल यूनिट्स यूज किए जाएंगे परफॉर्मेंस के लिए। जैसे हमें बहुत बार जजमेंट लेना पड़ता है, अगर मुझे मार्केट मैंने चूज किया है, खेड़ मार्केट में मुझे मेरा प्रोडक्ट सेल करना है, तो वहाँ पे जजमेंट लिया जाता है। मार्केटिंग रिसर्च के थ्रू मेरे पास जितना भी फीडबैक आएगा उसके ऊपर मेरा खुद का जजमेंट लगाऊंगी, मैं कुछ एस्टिमेट्स तैयार करूंगी, फ्यूचर प्लान्स बनाऊंगी, और उस तरह से ऑर्गेनाइजेशनल टास्क जो है मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी। दैट मींस इट इज कॉल्ड डिपार्टमेंटेशन। तो एग्जैक्टली डिपार्टमेंट के अंदर किस तरह का काम किया जाता है ये आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है ना, सबको समझ में आ रहा? तो हम इसकी नीड क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, वो भी देखेंगे डिपार्टमेंटेशन के। As per syllabus, ये points हम ले रहे, excessive points को हमने avoid किया है। तो need के हिसाब से specialization, यानी कि it facilitates an organization to gain the benefits of specialization. As each department looks after their own function, proficiency is developed and efficiency of operations increases. यहाँ पे efficiency increase हो जाती है, डिपार्टमेंटेशन की वजह से ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट मिलता है स्पेशलाइजेशन का, यानी कि कौन सा डिपार्टमेंट किस तरह से इफिशिएंट वर्क कर रहा है ये मैं जान सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्पेशलाइजेशन है। हर एक डिपार्टमेंट का एक खुद का ओन फंक्शन है, फंक्शन यानी कि जो काम है वो फिक्स ही है, जॉब जो है उनका वो फिक्स है। फाइनेंस के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, जो जॉब दिया है, वही काम उन्हें करना है, वही परफॉर्मेंस देना है, तो ऑब्वियसली उसके अंदर, उस परफॉर्मेंस के अंदर एफिशिएंसी आती है, और आपके जो भी ऑपरेशन है सक्सेसफुली कंप्लीट हो सकते हैं। ओके, एक्सपेंशन होता है या इसकी वजह से, एंड ग्रोथ भी होती है। जैसे कि अगर स्पेशलाइज पर्सन किसी एक ग्रुप के अंदर काम कर रहे हैं स्पेशल पर्सन, तो ऑब्वियसली एक्टिविटीज कैसे होंगे, फास्ट होंगे, एंड इसकी वजह से हम हमारा बिजनेस क्या कर सकते हैं, एक्सपांड कर सकते हैं। देयर इज नो डिपार्टमेंटेशन एंड इफ वन मैनेजर वेयर लुकिंग आफ्टर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, देन ऑर्गेनाइजेशन विल हैव रिमेन स्टैग्नेंट एंड स्मॉल। यानी कि स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये पॉसिबल है कि आप डिपार्टमेंट नहीं बनाते हो, आप क्या करते हो कि वन मैनेजर यानी एक अकेला मैनेजर ही सब कुछ मैनेज कर लेता है। तो ऐसे टाइम में आपकी ग्रोथ होना या आपका बिजनेस एक्सपांड होना तो पॉसिबल नहीं है। आपका स्मॉल बिजनेस रहेगा तो ये पॉसिबल है। ओके, सोवेरेनिटी मतलब डिपार्टमेंटेशन रिजल्ट्स इन द डिवीजन ऑफ एंटरप्राइज इनटू सेमी ऑटोनॉमस यूनिट्स। इन दिस यूनिट्स एवरी मैनेजर इज गिवन सफिशियंट फ्रीडम, द फीलिंग ऑफ ऑटोनॉमी प्रोवाइड्स जॉब सेटिस्फेक्शन and motivation, which in turn lead to higher efficiency of operation.
अगर एज अ मैनेजर आपको कुछ फ्रीडम दिया जाता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करती है कि हर एक डिपार्टमेंट के लिए कुछ ना कुछ मैनेजर की प्रोविजन रहती है, मार्केटिंग मैनेजर अलग है, फाइनेंस का अलग है, एचआर का अलग है, और अगर इस मैनेजर को अपॉइंट करने के बाद आपने कुछ फ्रीडम दिया, सफिशियंट फ्रीडम दिया, सपोर्ट किया, तो एट दैट टाइम आपको वो जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है एज अ मैनेजर कि मेरे हाथ में कुछ ना कुछ राइट्स है। कभी कभी ऐसा रहता है कुर्सी तो मिलती है लेकिन बहुत बार अथॉरिटी नहीं मिलती, या बहुत बार आपको हर डिसीजन लेते वक्त टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास जाना पड़ता है, तो आप मोटिवेशन, आपको जो मोटिवेशन है वो नहीं मिलता, जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, ओनली आप साइन अथॉरिटी के लायक रह जाते हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा फ्रीडम देना चाहिए, सोवेरेनिटी के अंदर वो फ्रीडम अगर देते हैं हम लोग तो जॉब सेटिस्फेक्शन के साथ साथ हमें मोटिवेशन भी मिलता है, so which in turn lead to higher efficiency of operations. तो आपके operations के अंदर भी efficiency आती है। तुम्हाला मी जर काही गोष्टींमध्ये फ्रीडम दिलं की एज अ स्टुडंट म्हणून तुम्ही काय करू शकता, कुठले डिसिजन्स घेऊ शकता। फॉर एक्झाम्पल, मी ज्या बुक मधून आता स्टडी तुम्हाला जे काही लेक्चर्स देते त्या बुक व्यतिरिक्त आदर जे ऑथर्स आहेत, आदर जे सोर्सेस आहेत, ज्यातून तुम्ही काय करू शकता की सिलेबसचे पॉइंट्स कव्हर करू शकता, किंवा तुम्हाला जे सुटेबल लँग्वेज वाटेल ज्या ऑथरची तर ती युज करू शकता। असं जर मी तुम्हाला फ्रीडम दिलं तर कदाचित तुमच्या कामामध्ये एफिशियन्सी येते, म्हणजे काय मोटिवेशन मिळतं की मॅडमने आम्हाला हे राईट्स दिलेले आहेत, प्रत्येक वेळी मॅडम सांगतात तेच लिहून घ्यायचं किंवा त्याच पद्धतीने जायचं असं सांगितलं, इथे फ्रीडम कमी मिळतो आणि त्यामुळे तुम्हाला जे काही अंडरस्टँडिंग आहे, तुम्ही ज्या काही लँग्वेज मध्ये नोट्स काढणं गरजेचं आहे ते पॉसिबल होत नाही, म्हणजेच तुमचे ऑपरेशन्स कसे होतात, इफिशियंट होतात का नाही होत, इथे इफिशियन्सी कमी होते, तत्परता त्यामध्ये येत नाही। आलं लक्षात? हे जर मी सांगितलं की आता तुम्ही हे जे पॉइंट्स आहेत काही गरज नाही एक्झामला तुम्ही असंच्या असं लिहिण्याची, मी ज्या कन्सेप्ट माझ्या भाषेमध्ये सांगितल्या त्या तुम्ही तुमच्या भाषेत कन्वर्ट करून जरी तुम्ही लिहिल्या तरी चालेल, तर बऱ्याचशा मुलांचं अर्धं टेन्शन जातं। तुमच्यापैकी 50% लोक जे आहेत ते इंग्लिश मिडियमचे आहेत, त्यामुळे त्यांना हे सहज शक्य असतं, एकदा कन्सेप्ट कळले, डिपार्टमेंटेशन म्हणजे काय कळलं की ते त्यांच्या ओन लँग्वेज मध्ये पण एक्सप्लेन करू शकतात, जे पुस्तकी लँग्वेजच हवी असं काही गरजेचं नाहीये, बुक मधलं जसंच्या तसं कॉपी पेस्ट करण्याची गरज नाही, ओके ना। तर इथे पुढचा पार्ट तुमचा येतो परफॉर्मन्स अप्रायझल पॉसिबल, डिपार्टमेंटेशनची नीड आपण बघतोय, या अप्रायझल ऑफ मॅनेजरियल परफॉर्मन्स बिकम सिम्पलर व्हेन पर्टिक्युलर जॉब्स आर अलोकेटेड टू डिपार्टमेंटल पर्सनल। अभी पर्टिक्युलर जॉब जो है, पर्टिक्युलर मतलब की कुछ खास जॉब जो है वो अलोकेट किए जाते हैं डिपार्टमेंटल पर्सनल को। द सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, द स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस रिक्वायर्ड फॉर टोटल मैनेजरियल डिसीजन कैन बी लोकेटेड, यानी कि आपके जो भी इंफॉर्मेशन का सोर्स है, तो अभी कुछ इंफॉर्मेशन की जरूरत तो रहती है, अगर ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी डिसीजन लेना है तो डिसीजन लेते वक्त हर एक डिपार्टमेंट के अंदर ऐसे कुछ खास पर्सन रहते हैं जो कि इंफॉर्मेशन रखते हैं कि अगर मुझे फाइनेंशियल बजट बनवाना है, या मेरे जो अदर कॉन्टेक्ट पर्सन से उन, या मेरे शेयर होल्डर से वो कितना इन्वेस्ट करने वाले, इस साल इन्वेस्ट कितना करेंगे, तो उसकी वजह से मुझे एक पिक्चर क्लियर हो जाता है कि मेरे पास कितना फाइनेंस रहेगा। तो इस तरह का सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, अदर स्किल्स, कॉम्पिटेंस, ये जो चीजें है वो मैनेज करने के लिए आप क्या करते हो कि एक पर्टिकुलर जॉब है तो अलोकेट किया जाता है कोई एक डिपार्टमेंटल पर्सन को, तो उसके हिसाब से हमारा जो परफॉर्मेंस है, यानी कि मैनेजर को कोई भी डिसीजन लेना है तो वो पॉसिबल होता है, वो डिसीजन बहुत बार सही होता है। ओके, बूस्ट इन ऑपरेशनल एफिशिएंसी, यहाँ पे ऑपरेशनल एफिशिएंसी के लिए उन्होंने बताया, एज द ऑर्गेनाइजेशन आर डिवाइडेड इनटू मेनी स्मॉल यूनिट हु लुक आफ्टर द पर्टिकुलर जॉब अलोकेटेड टू देम, in turn become specialized in such a work and eventually efficiency of performing the job increases. Department ki wajah se operational efficiency aana to possible hi hai, kyunki aap agar us cheez mein specialized ho, specialized person ho, specialization kiya hua hai, special training aapka hai, to aapka performance efficiency hoga. Coordination jo hai
इट हेल्प्स टू मेंटेन कोऑर्डिनेशन. डिपार्टमेंटेशन क्या करता है कि मेंटेन रखता है कोऑर्डिनेशन. एज अ मेंबर्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट फॉलो आइडेंटिकल रूल एंड रिपोर्ट टू द सेम डिपार्टमेंटल हेड्स. यानी कि इनका जो भी रिपोर्ट है वो डिपार्टमेंटल हेड्स के लिए डिपार्टमेंट हेड्स को मिलता है या दिया जाता है. ओके. डिफाइंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज. यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफाइन किया जाता है. अगर आप कौन से डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, या आपको डिपार्टमेंटेशन की वजह से क्या होता है कि लॉयल्टी कैसे बिल्ड करनी है ये पता चलता है. इट प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर बिल्डिंग अप लॉयल्टी एंड ऑब्लिगेशन. द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आउटकम्स कैन बी डिफाइंड मोर एक्यूरेटली. अगर आपको पता है कि मेरा रोल क्या है, मुझे कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, तो ऑब्वियसली आप उसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे तो आउटकम्स बेटर मिलेंगे एंड इंडिविजुअल कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मेंस. यानी कि हर एक पर्सन परफॉर्मेंस देते वक्त अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में सोचेगा. तो डिपार्टमेंटेशन का ये एक बेनिफिट है. अभी यहाँ पे हमें बेसिस और टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंटेशन देखना है. ओके. Let us see. Departmentation by function. अभी department by function के हिसाब से बनाए जाते हैं. जैसे कि उन्होंने यहाँ पे बताया, this widely used method of departmentation is found in almost all organizations at same level. The activities are grouped based on functions which are to be performed. Such production, marketing, finance, personal. Each department is headed by one responsible person who is directly responsible to the general manager. यानि कि हर एक department का head जो है वो as a general manager work करेगा. और उसके लिए उन्होंने एक diagram दी है. General manager है, उसके अंदर किस तरह का structure बना है. Departmentation by function. ये general manager है, ये आपका head है, उसके अंदर प्रोडक्शन मैनेजर काम कर रहा है, मार्केटिंग मैनेजर है, फाइनेंस मैनेजर है, पर्सनल मैनेजर है. इस तरह का ये स्ट्रक्चर होगा. दैट इज कॉल्ड डिपार्टमेंटेशन बाय फंक्शन. ये फंक्शंस है, यानी कि इस तरह के वर्क यहाँ पे किए जाते हैं. प्रोडक्शन के जितने सारे प्रोसेस है वो इस डिपार्टमेंट के अंदर किए जाते हैं. दैट इज इट इज द फर्स्ट फंक्शन, इट इज सेकेंड फंक्शन, इट इज थर्ड. यानी कि कितने जितने फंक्शंस आप कर रहे हो उसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट दिया गया है, अलग अलग मैनेजर्स प्रोवाइड किए गए हैं. टेरिटोरियल और जियोग्राफिकल डिपार्टमेंटेशन. उसके अंदर क्या दिया है कि टेरिटोरीज मतलब कि जो जियोग्राफिकल रीजन्स है. तो यहाँ पे डिपार्टमेंटेशन इट इज वेरी यूजफुल टू लार्ज स्केल एंटरप्राइजेस हुज एक्टिविटीज आर जियोग्राफिकली स्प्रेड ओवर अ वाइड एरिया. तो बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, ट्रांसपोर्ट कंपनीज, डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसीज आर एग्जांपल्स ऑफ सच एंटरप्राइजेस. तो अभी इसके अंदर कौन सा एरिया आता है, मतलब कि बैंक जो है अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर है, तो उन्होंने उसका डिपार्टमेंटेशन कैसे बनाया आप देख सकते हैं कि जनरल मैनेजर है. अभी ये कितने सारे लोगों को लीड कर रहा है. देखो, नॉर्थ जोन है, ईस्ट जोन है, वेस्ट जोन है, साउथ जोन है. टोटल उन्होंने ज्योग्राफिकल ऑल एरिया उन्होंने कवर किया है. ऑल जोनल जो मैनेजर्स है वो यहाँ पे अपॉइंट किए है. तो इनका रिपोर्टिंग वो किसे करेंगे, ये जो मैनेजर है नॉर्थ जोन का वो उसका रिपोर्टिंग जनरल मैनेजर को करेगा. और जनरल मैनेजर जो है वो अदर डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट करेगा कि यहाँ की कंडीशन क्या है, डिपार्टमेंट कौन सा किस तरह से काम कर रहा है. तो एक्टिविटीज यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, उसका रिपोर्टिंग कर सकते हैं. डिपार्टमेंटेशन बाय प्रोसेस के अंदर क्या आता है, अंडर दिस बेसिस एक्टिविटीज आर ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस और इक्विपमेंट इन्वॉल्व. दिस इज जनरली यूज इन मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज. अभी मैन्युफैक्चरिंग जो किया जाता है कि कोई भी चीज अभी मैन्युफैक्चर करने के लिए कौन सी प्रोसेस की जाती है, तो वो प्रोसेसेस उन्होंने क्या कर दिए, उनके अलग अलग टेक्सटाइल मिल का एग्जांपल दिया है कि टेक्सटाइल मिल के अंदर जितने सारे ऑपरेशंस है, दैट इज कॉल्ड जीनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग डिपार्टमेंट. सिमिलरली प्रिंटिंग प्रेस में कंसिस्ट ऑफ कंपोजिंग, प्रूफ रीडिंग,
प्रिंटिंग एंड बाइंडिंग डिपार्टमेंट्स, तो उस हिसाब से वो क्या करेंगे, हर एक चीज के लिए वो मैनेजर अपॉइंट करेंगे। जनरल मैनेजर वो हेड रहेगा, उसके अंदर जितने सारे प्रोसेस किए जाते हैं उस डिपार्टमेंट के अंदर, उस हर प्रोसेस के लिए उन्होंने अलग अलग मैनेजर अपॉइंट कर दिया, मतलब ये एक अलग डिपार्टमेंट बन गया। ओके, सो नेक्स्ट डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंटेशन बाय कस्टमर्स। अभी कस्टमर्स का किस तरह से डिपार्टमेंटेशन किया जाता है कि जो जनरल मैनेजर है यहाँ पे डिपार्टमेंट्स डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कस्टमर्स, कि कस्टमर का नेचर किस तरह का, एक्टिविटीज आर ग्रुप अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ कस्टमर्स। फॉर इंस्टेंस लार्ज क्लोथ स्टोर मे बी डिवाइडेड इनटू होलसेल, रिटेल और एक्सपोर्ट डिविजन, यानी कि क्लोथ का बिजनेस है आपका, क्लोथ सेल करने, तो उन्होंने किस तरह से डिवाइडेशन कर दिया, कुछ चीजें हैं वो आप होलसेलर के थ्रू सेल करते हो, कुछ चीजें हैं वो डायरेक्टली रिटेलर के थ्रू सेल की जाती है, या एक्सपोर्ट डिवीजन आपकी जो है उसके थ्रू एक्सपोर्ट किया जाता है आपका प्रोडक्ट। तो यहाँ पे कस्टमर के हिसाब से उन्होंने मैनेजर होलसेलर, मैनेजर रिटेलर, मैनेजर गवर्नमेंट, मैनेजर फॉरेनर्स, इस तरह से ये डिपार्टमेंटेशन कर दिया। प्रोडक्ट के हिसाब से उन्होंने फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं, अनऑर्गेनाइजेशन में प्रोड्यूसेस वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट, मे डिवाइड देयर ऑर्गेनाइजेशन ऑन दिस बेसिस। फॉर एग्जाम्पल बैंक प्रोवाइड्स वैरायटी ऑफ सर्विसेज, मर्चेंट बैंकिंग, हाउसिंग लोन, पर्सनल लोन। तो अभी अलग अलग डिपार्टमेंट है इस बैंक के अंदर, क्योंकि वो अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो उन्होंने उसके डिपार्टमेंट्स अलग कर दिए। जो भी मर्चेंट बैंकिंग है वो एक डिपार्टमेंट देखेगा, हाउसिंग लोन का जो डिपार्टमेंट है वो एक देखेगा। तो यहाँ पे उन्होंने इस तरह से एक जनरल मैनेजर क्या कर दिया, अपॉइंट कर दिया, उसके अंडर इतने सारे डिपार्टमेंट्स बना दिए, मैनेजर पर्सनल लोन, मैनेजर हाउसिंग लोन। ओके, डिपार्टमेंटेशन बाय टाइम। अभी आपको क्या करना है, कंट्रोलिंग सिस्टम देखी ना आपने कि मुझे स्पैन ऑफ कंट्रोल करना है, तो हर एक चीज पे मेरा कंट्रोल होना जरूरी है, तो इसके लिए डिपार्टमेंटेशन की बहुत जरूरत है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सिस्टम है, अंडर दिस सिस्टम एक्टिविटीज आर ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्टिविटीज किए जाते हैं तो उसे क्या करना है, मुझे ग्रुप करना है, उसका ग्रुपिंग करना है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। तो कौन सी एक्टिविटी किस टाइम में होती है उसके हिसाब से मैंने डिपार्टमेंट बना दिए और डिपार्टमेंट के थ्रू मैंने कंट्रोलिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे उन्होंने दिया है जनरल मैनेजर, मैनेजर डे शिफ्ट, मैनेजर इवनिंग शिफ्ट, मैनेजर नाइट शिफ्ट। समझ में आ रहा है यहाँ पे? तो इस तरह से उन्होंने हर एक शिफ्ट के लिए एक अलग मैनेजर बना दिया। तो वो क्या करेगा कि उस प्रोसेस को कंडक्ट करेगा, उसका सुपरविजन करेगा, उसके ऊपर उसका कंट्रोल रहेगा। तो ऑब्वियसली आपका परफॉर्मेंस एज अ एम्प्लॉय, एज अ सबॉर्डिनेट कैसे हो सकता है, बेस्ट हो सकता है, उसके अंदर एफिशिएंसी हो सकती है। डिपार्टमेंटेशन बाय नंबर्स, इट इज एन ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ डिपार्टमेंट। ईच डिपार्टमेंट इज गिवन नंबर्स, फॉर एग्जाम्पल डिपार्टमेंट वन टू, इस तरह से भी बनाया जाता है। हर बार नेम तो नहीं दिया जाता, तो डिपार्टमेंट वन के अंदर कौन सी एक्टिविटी की जाएगी वो पहले से डिसाइड किया जाता है। कंपोजिट डिपार्टमेंटेशन भी रहता है, तो आपके लिए मिनिमम 7 पॉइंट्स का होना बहुत जरूरी है। तो आपको ये समझ में आया होगा बेसिस ऑफ डिपार्टमेंटेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन एज अ स्ट्रक्चर, ये जो पॉइंट है आपका, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। इसके अंदर हमें स्ट्रक्चर स्टडी करने हैं, जैसे कि लाइन एंड स्टाफ मैंने बताया, तो वो ही एक पॉइंट आपका बचा है, जिसके बाद आपका थर्ड यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। तो आप रेडी रहना है नेक्स्ट लेक्चर के लिए, तब तक के लिए हम यहाँ पे रुकते, कुछ प्रॉब्लम अगर है तो पूछना है। सो थैंक यू सो मच।